वेलकम टू माई चैनल लक्ष्मी आयुर्वेद। लक्ष्मी आयुर्वेद में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडेज टॉप इज़ आई मंत्रा। आज मैं इस वीडियो में आपको आई मंत्रा आई ड्रॉप के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी, इससे रिलेटेड सभी जानकारियाँ दूंगी। आई की कौन कौन सी प्रॉब्लम में ये काम में आती है, इसे कैसे यूज़ करना है और इसकी प्राइस क्या है, सभी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल में नए हैं वे लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में ही बेल आइकन है उसे भी दबा ले ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो दैट इज़ कॉल्ड आई मंत्रा। सबसे पहले मैं आई मंत्रा की पैकिंग आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए आई मंत्रा की पैकिंग कुछ इस तरह की है, वाइट कलर की। ये छोटे से ड्रॉप जैसे होती है, कोई भी आई ड्रॉप, नोज ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, उस तरह की ये ड्रॉप है एक, जो कि आँखों की पिक्चराइजेशन इसमें की गई है, आप देख सकते हैं। तो ये एक आई ड्रॉप है, यानी कि आँखों के लिए ये एक आयुर्वेदिक ड्रॉप है। और ये जो है दिविशा कंपनी द्वारा बनाई गई है, आप देख सकते हैं। और ये दिविशा कंपनी ने इसे आयुर्वेदिक एक आई ड्रॉप बनाया है ताकि हमारी आँखों को सुकून मिल सके। आज के डेट में आँखों में स्ट्रेन होना बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अक्सर किड हो या एडल्ट हो, हम लोग जो है अक्सर मोबाइल से जुड़े रहते हैं। हमारा सारा काम जो है वो मोबाइल पे होता है। आज के डेट में मेरा भी सारा काम मोबाइल से रिलेटेड होता है। तो जो है सारे लोग जो है मोबाइल से इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि उसका रेडिएशन आँखों में पड़ने की वजह से आँखों में स्ट्रेन होती है। लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, सारे रेडिएशन जो है हमारे आँखों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है, लेंस में आती है, जिसकी वजह से आँखों में स्ट्रेन पड़ना बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। और ये अक्सर सभी को होती है, मुझे भी होती है। रात को सोते समय एकदम आँख में जलन सी होने लगती है, या तो आपके आँख से ऑटोमेटिकली पानी जाने लगता है, या दिन में भी कभी भी आपको आँखें एकदम लगेगी कि बहुत ज़्यादा जलन फील कर रहे हैं आप, और जो है उसमें से ड्रॉप ड्रॉप वाटर जाना भी शुरू हो जाता है। इसका मतलब आपके आँखों में स्ट्रेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है, या तो रेडिएशन की वजह से आपकी आँखों में स्ट्रेन आ रही है। तो ये जो आई मंत्र है उस स्ट्रेन से जो है हमारी आँखों को रिलीफ दिलाता है, और ये रिलीफ दिलाता है। और आप अगर रेगुलरली इसे यूज़ करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आँखों में जलन या ऑटोमेटिकली वाटर जाना, इस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये हमारे आँखों को क्लियर भी रखता है, क्लैरिफाई करता है, यानी कि जितने भी डर्ट पॉल्यूशन हमारे आँखों में घुस जाते हैं, हम बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे आँखों में कई बार बहुत सारे डर्ट पार्टिकल्स या पॉल्यूशन घुस जाते हैं, तो उसे भी ये जो है एकदम क्लियर करता है, आँखों को साफ रखता है। और ये हमारे देखने के जो विज़न होती है उसे भी ये जो है बढ़ाता है। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ धुंधली दिख रही है, बहुत केसेस में होती है कई बार, या तो आप सामने से उसे देख पा रहे, थोड़ी ही दूर से नहीं देख पा रहे, इस टाइप की प्रॉब्लम में भी जो है ये विज़न को भी जो है वो इम्प्रूव करता है। और ये जो है कैटरेक्ट आई में भी ये आप इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आँखें जब आ जाती है, जिसे हम कहते हैं आँख आ गई है, या तो और भी बहुत लोग बहुत तरह की इसे बोलते हैं, तो वो कैटरेक्ट आई में भी, आँखों के आने में भी आप इसे जो है लगा सकते हैं। और इसमें भी आपको बहुत हद तक जो है उस केस में भी बहुत हद तक आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और आँख आने में जो जलन होती है या बहुत एक्सेसिव जो पेनफुल होता है, बहुत जो है वो जलन महसूस करते हैं, वो सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। और इराइटिस में भी जो है आपको ये रिलीफ देगी। और ये जो है आँखों में अगर अक्सर आपकी आँखें लाल हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस रहती है आँखों में, या तो कभी कभी आँखों के अंदर से मन होता है कि हम खुजली करें, इचिंग होती है, इचिनेस जो होती है, आँखें सूखी सूखी ड्राई लगती है, इस तरह की इरिटेशन में, इस तरह के प्रॉब्लम्स में भी ये जो है आई ड्रॉप बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है और बहुत अच्छा अच्छे से काम करती है। तो आँखों की किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये 100% नेचुरल चीज़ों से इसे बनाया गया है, इसे आयुर्वेद को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या डाला गया है। इसमें जो है गुलाब वो 500 mg है, सबसे ज़्यादा इसमें गुलाब के जो फूल है उसे यूज़ किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि गुलाब जल भी हम कई बार क्या होता है कि आँखों में स्ट्रेन या स्ट्रेस होने से हम कॉटन के फोहे में लेके थोड़ा सा गुलाब जल लगा के और लेट जाते हैं, उससे भी हमारे आँखों को ऊपर से लगा के लेट जाते हैं, उसमें भी हमारे आँखों की थकान जो है वो दूर होती है। तो इसमें भी जो है गुलाब के फूल बहुत अधिक मात्रा में डाले गए हैं ताकि ये अंदर जाके वर्क कर सके।
फिर इसमें डाला गया है पुनर्नवा जड़ से, फिर दारू हल्दी कास्ट से, शहद, हड़ड़, बहेरा फल, आंवला फल, नीम के छाल के रूप में डाला गया है, हल्दी कंद रूप में, तुलसी पत्र में, नीम पत्र में, पुदीना पत्र में, और ये सारी चीज़ें जो है वो आयुर्वेदिक है और एकदम बिल्कुल होम रेमेडी है, जो कि हमारे आँखों को नुकसान भी नहीं करती है और जहाँ तक है कि हमारे आँखों को क्लेरिफाई करती है। तो आपने देखा कि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो हर्बल है, आयुर्वेदिक है, तो आप इसे बेहिचक यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी प्राइस क्या है। इसकी जो प्राइस है वो आज के डेट में 85 रुपीज़ है, यानी कि 85 रुपये इसकी प्रिंट रेट आप देख सकते हैं। और ये आपको हमारे यहाँ भी उपलब्ध है लक्ष्मी आयुर्वेद में, और नहीं तो ये किसी भी जो है आयुर्वेदिक दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत एक फेमस आई ड्रॉप है जो बहुत अच्छा फंक्शन करती है, तो ये आपको आपके एरिया लोकेलिटी में कहीं भी मिल जाएगी। और ये जो है मैं आपको इसकी पैकिंग दिखा देती हूँ, ये जो अगर आप खोलेंगे तो इस तरह के अंदर से आपको एक जो है ड्रॉप मिलेगी, इस तरह की ये छोटी सी ड्रॉप फॉर्म में ये बॉटल में है। इसे आप इस तरह से खोल लें हाथों से घुमा के, ये देखिए ये बहुत इजी टू यूज़ है, यानी कि आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली अपने आँखों में। और कितनी क्वांटिटी में आपको करनी है, सुबह शाम इसमें तो लिखी गई है 2 से 3 बूंदे सुबह और रात को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी जैसे मैं करती हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, तो 1-1 ड्रॉप भी अगर आप सुबह और शाम को लगाएंगे तो भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ये ड्रॉप ये देखिए, ये ऊपर की जो टिप है इसमें एक छेद की गई है, और इससे आराम से 1 ड्रॉप जो है आप आसानी से निकल जाएगी और अपने आँखों में डायरेक्टली आप डाल लें। और ये जो है सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं, इस टिप को आप अपने अंगुलियों से या किसी भी चीज़ से कभी भी टच करने की कोशिश न करें, जैसे यूज़ हो जाए इसे ढक्कन को आप ऊपर से लगा दें, ताकि इसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन या बैक्टीरिया ना हो जाए और आपकी आँखों तक ना पहुँच सके। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए कैप को लगा के रखें, और जैसे यूज़ हो जाए टिप को बिल्कुल ना छुए अपने हाथों से या किसी भी गंदी चीज़ से, और जो है तुरंत कैप को आप इसे लगा ऊपर से फिर ढक्कन को लगा दे, कैप को लगा दे और इसे छूने से बचे, ताकि आपकी आंखों में इन्फेक्शन ना हो। होप मेरा वीडियो मज़ेदार लगा होगा, आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल में नए हैं वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में ही बेल आइकन है उसे भी दबा लें, ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। आगे भी मैं बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिंस के रिव्यू आपके लिए लाने वाली हूँ, जो आपके हेल्थ रिलेटेड होंगी, इन्फॉर्मेटिव होंगी। सो टिल देन, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।